Preview. ये ट्रेंड हो गई है, अब हम इसमें ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यूजर रजिस्टर करवाते हैं। हम अब साइन अप पे क्लिक करते हैं। द गिवन साइन इन प्रोवाइडर इज डिसेबल्ड फॉर फायरबेस, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं @abc.com, john@abc.com, साइन इन प्रोवाइडर इज डिसेबल्ड, इनेबल्ड। अच्छा जी, हम क्रोम पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम पासवर्ड इनेबल करते हैं, सेव। अब हम यहाँ साइन अप करके देखते हैं, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब हम यहाँ से लोड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र भी शो हो जाएगा, जिसकी यूज़र आईडी ये होगी M6 ये, और यहाँ पे भी हम लोग इसको लोड करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक टेबल यूजर्स का टेबल शो हो जाएगा। यूज़र का टेबल क्यों नहीं शो हो रहा? अच्छा जी, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा ही इंटर नहीं करवाया यूज़र के टेबल में, तो इसलिए हमारे पास यूज़र का टेबल नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पे सेट डेटा कर देंगे, सेट वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पे, सेट वैल्यू में भी हम यही आईडी स्टोर करवा देंगे। अब यूज़र आईडी, हम ईमेल भी स्टोर करवा सकते हैं, ईमेल स्टोर करवा देते हैं। चले हम लोड करवाते हैं, अभी हमें यहाँ नया एक यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले हमने john@abc किया, हम john@gmail करके देख लेते हैं। तो ये देखें, john@gmail.com, 123456। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो 6 डिजिट्स का होना चाहिए। साइन अप कर दिया, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब हम अपनी डेटाबेस देख लेते हैं। देखें, डेटाबेस में भी यूज़र आ गया। ये देखें, यूज़र्स के अंदर हमारा डेटा सेट हो गया। जॉन के अंदर हमारे पास यूज़र का ईमेल एड्रेस सेव हो रहा है, और इसी तरह हमारे तमाम जो यूज़र्स हैं वो रजिस्टर होंगे और वो डेटाबेस में आके स्टोर होंगे। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कोई यूज़र रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ? तो हमें यहाँ पे हमारी साइन अप एक्टिविटी में जाके यहाँ पे हमें एक मैसेज भी प्रिंट करवाना होगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे टोस्ट हम लोग बना लेंगे, toast.makeText this comma successfully registered or toast.lengthlong डॉट शो कर देंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, टर्मिनेट। यूजर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई यूज़र नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं ईमेल john@gmail.com, 123456, 123456। साइन अप करेंगे, साइन अप
करने पे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो हम जाके देख लेते हैं अपने स्कोड में क्या मसला आ रहा है। यहाँ तक भी चल रहा है, यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, पर ये नहीं चल रहा है ऑथेंटिकेशन, यहाँ से ये नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या मसला आ रहा है। शायद ये डेटाबेस जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा के जब हमारी छुट्टी लोड हो रही है वहाँ पे लगा देते हैं इस बटन के लोड होने से पहले। अभी करके देखते हैं टर्मिनेटर पास, हम दोबारा से यूज़र को इसका करते हैं john@gmail.com gmail.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 साइन अप अभी भी नहीं हो रहा है, यहीं पर कुछ मसला आ रहा है, देखते हैं हो जाना है ठीक।